एक तरफ हिमालय पर्वत और बीच में गंगा जी। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, देखिए आज मैं कहाँ खड़ी हूँ और ये है हमारी गंगा जी का घाट और मैं आपको लेके आई हूँ तीर्थ स्थल हरिद्वार, देवनगरी हरिद्वार में। हरिद्वार के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरा बचपन यहीं पे बीता और आज जब मैं आती हूँ तो वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हरिद्वार के लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही पुराना एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पे पूरा ये गंगा जी के किनारे आप देख सकते हैं ये पूरा शहर बसा हुआ है। बहुत ही प्राचीन से प्राचीन मंदिर, गंगा जी और टूरिस्ट प्लेस है ये। जो भी लोग जानते हैं, हरिद्वार से ही चार धाम की तीर्थ यात्रा शुरू होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो आज इसी हरिद्वार का मैं आपको छोटा सा जो मैं कवर कर पाऊँगी अपने ये वीडियो में ग्लिम्प्स देने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको मनसा देवी के रोपवे से लेके मनसा देवी जी के दर्शन, गंगा जी की आरती के दर्शन, थोड़ा सा ऋषिकेश का टूर, ये सब कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये डिफरेंट व्लॉग आपको मेरा पसंद आएगा और आप ज़रूर हमारी इस जर्नी में साथ देंगे। मैं अभी आपको यहाँ के एक बहुत ही पुराने रहने वाले हैं हरिद्वार के, उनके से आपको हरिद्वार की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको बताएंगे गंगा जी के महत्व और यहाँ पे कितने यात्री आते हैं और पूरा साल कैसा दृश्य चलता है। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं गजेंद्र सिंह की तरफ से मेरा नमस्कार। यहाँ ये हरिद्वार जिसमें गंगा जी बहती है, जो कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है और सभी को पवित्र करती है। यहाँ आने वाले सभी देशों से, सभी राज्यों से सभी टूरिस्ट आते हैं। इसकी महिमा अपरंपार है, जब से विश्व बसा है तब से ये गंगा मैया गंगा धरती पाई है, भगवान राम जी के भी पहले आई है। आरती के बारे में बताइए, गंगा जी के बारे में। यहाँ डेली आरती होती है। ये गणेश घाट है, जिस प्रकार हरिद्वार हरि भगवान भगवान नारायण का के घर का द्वार है, ये हर और भगवान भोलेनाथ के भी घर का द्वार है। हर द्वार तो भोलेनाथ का द्वार और हरिद्वार भगवान नारायण का द्वार। जो ऊपर चार धाम यात्रा होती है उत्तराखंड की, उसकी सर्वप्रथम में आता है हरिद्वार। ऐसे ही यहाँ पर गंगा घाट का, हरिद्वार के जो घाट हैं उन सब में सर्वप्रथम आता है गणेश घाट। और यहाँ पर मनोहारिक दृश्य बनाया गया है, ओम ब्रिज बना है, सामने ओम ब्रिज बनाया है और ये डाम कोठी है और वो उसके अगेंस्ट हाईवे बनाया गया है, कॉरिडोर बहुत अच्छा यहाँ पे, बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम किया गया है। आने जाने वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और मैं आप सभी से, दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार हरिद्वार तो आना ही चाहिए, जीते जी आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा। जय गंगे मैया। हरिद्वार में आजकल बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं तो सब जगह बहुत नॉइज़ और बहुत क्राउड रहता है, तो हर जगह मैं आप वॉइस पे नहीं ले पाऊँगी, तो जहाँ तक हो सकेगा मैं कवर करती हूँ, ग्लिम्सेस दिखा रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। इस समय मैं खड़ी हुई हूँ हरिद्वार के गणेश घाट पे और ये हरिद्वार का हर की पैड़ी से जो हम जाते हैं पहला घाट है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। और यहाँ पर गंगा जी का ऐसा हमारा स्थान है, पहाड़ों से सबसे पहले गंगा जी यहीं पे प्लेन में आती हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा हर की पैड़ी, जहाँ की मैं आपको आरती दिखाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। कभी लाइफ में मौका मिले तो एक बार हरिद्वार ज़रूर आइएगा, बहुत मन को शांति मिलेगी और गंगा जी में स्नान करके एक अलग ही तरह के आपको अनुभव होगा। बिल्कुल माउंटेन से स्नो मेल्ट होके आती है और वो ठंडा ठंडा पानी आपके शरीर की सारी थकान और आपको एनर्जी से भर देगा। सबसे पहले मैं आपको ले जा रही हूँ बहुत ही प्राचीन मंदिर मनसा देवी। वहाँ पर जाने के लिए ये है अपर रोड का मार्केट, जिसके थ्रू होकर हमको जाना होता है।
बनाई गई है जिसमें आप पैदल चढ़ के भी मंदिर जा सकते हैं। उससे आपको लगभग आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। रोपवे की इस मनोरम यात्रा के साथ मैं आपको हरिद्वार में आने की ब्रीफिंग कर देती हूँ। इस पावन तीर्थ में आने के लिए ऑल ओवर इंडिया से आपको ट्रेन सर्विस अवेलेबल है या फिर आप बाय एयर भी आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून एयरपोर्ट। और ये देखिए हरिद्वार का उड़न खटोले के द्वारा दिखने वाला एरियल व्यू, कितना सुंदर ये शहर लगता है। ऊपर से चारों तरफ गंगा और पीछे हिमालय पर्वत। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, हरिद्वार में आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा, कैब्स, साइकिल रिक्शा या ई रिक्शा सब कुछ इजीली मिल जाएगा घूमने के लिए। बस आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। हरिद्वार में स्टे करने के लिए हर कैटेगरी के होटल्स, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस आपको इजीली अवेलेबल है। बस अगर आप पहले से अगर टूरिस्ट सीजन में आ रहे हैं बुकिंग करा के आएंगे तो आपका स्टे और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। और पहुंच चुके हैं हम मंदिर के ऊपर के पोर्शन में। 5 मिनट में हम रोपवे से यहाँ पे आ गए और जूते चप्पल यहाँ पे उतार के हमको लेना होता है माता जी को चढ़ाने का प्रसाद। 20 रुपये के प्रसाद से लेके 500 रुपये की प्रसाद की थाली तक किसी भी कैटेगरी का प्रसाद ले सकते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं मेन मंदिर में एंटर। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। मेन मंदिर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ये आप मेन मंदिर के बाहर से दर्शन कर लीजिए। जय माता की। दर्शन करने के बाद में ये रिफ्रेशमेंट एरिया है जहाँ पर आप हमारे पूर्वजों के भी दर्शन कर लीजिए। क्या करें, आजकल इनको चने और केले पसंद नहीं आ रहे हैं, इनको आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए। गर्मी भी तो बहुत है ना। सेम रूट से अब हम रोपवे से नीचे जा रहे हैं हरिद्वार के मनोरम दर्शन करते हुए। बहुत ही सुंदर यहाँ से हरिद्वार लगता है। चारों तरफ गंगा जी के बीच में बसा हुआ यह शहर। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हर की पैड़ी और विश्व प्रसिद्ध गंगा जी की आरती। आरती से पहले हमने भी गंगा जी में दीपदान किया। अपने घर के सभी सदस्यों की सुख शांति और समृद्धि के लिए गंगा माता से अर्चना की जाती है। पंडित जी वहाँ पे ये दीपदान कराते हैं। शुरू हो चुका है आरती से पहले का मंत्रोपचार। आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी के द्वारा गाई गई ये आरती हम अपने बचपन से सुन रहे हैं और आज भी ये आरती वैसे ही मधुर लगती है जैसे कि पहले लगा करती थी। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे। Thank you.
इस वीडियो में मेरा कुछ भी कट करने का मन नहीं था। अगर मैं कट नहीं करती तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। अगर आपको रोपवे टूर या गंगा जी की आरती पूरी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आरती के बाद चलते हैं हरिद्वार के प्रसिद्ध मार्केट मोती बाज़ार में। स्टार्टिंग में ही ये मिलता है हमको फेमस मोहन पूरी वाले जी का रेस्टोरेंट, जिनकी पूरी भाजी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पूरे मार्केट में हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वे पूजा की पोशाकें हो या ब्रास की मूर्तियाँ, शंख हो या चूड़ियाँ, कपड़े हो या बच्चों के खिलौने, ब्रिजवासी का पेड़ा हो या प्रकाश की लस्सी। दिस मार्केट इज़ फुल ऑफ चॉइसेस। अचार हो या हींग या किसी भी तरह के मसाले, क्या क्या यहाँ पे नहीं मिलता। आई गारंटी यू यहाँ पे अजीज खाना। और ये लीजिए, प्रस्तुत है छोटी वाले की मशहूर थाली। गीता भवन आश्रम ऋषिकेश, पूरी गीता का सार यहाँ पे लिखा हुआ है। गीता भवन आश्रम की ही बनाई गई ये गरम कपड़ों की दुकान। ऋषिकेश का मार्केट फॉरेनर्स के पर्पस से ज़्यादा बनाया गया है, या फिर यहाँ पे चार धाम की यात्रा के लिए जो लोग आते हैं वो वुलन्स और ब्लैंकेट्स लेकर आगे जाते हैं। और ये देखिए, गर्मी से बचने के लिए इससे अच्छा अरेंजमेंट और क्या हो सकता है। जय जय शिव शंभो।
देवभूमि हरिद्वार और ऋषिकेश की ये मैंने आपको बहुत ही फेमस और पॉपुलर प्लेसेस दिखाई। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर और आश्रम हैं, जैसे माँ चंडी देवी, बिल्केश्वर मंदिर, शांति कुंज,